सुबह बिजी था पर दिन नहीं मिस कर सकता था, इसलिए शाम को आया हूँ। पसंद तो नहीं है करना शाम को, अभी भी मूड नहीं था, बट ज़बरदस्ती करेंगे क्योंकि इस साल टारगेट है, मतलब अपनी बुरी आदतों पर थोड़ा सा सुधार करना, ये उनमें से एक है, इसलिए कंप्लीट ज़रूर करेंगे। और शुरुआत बस वार्म अप से हो गई, और कैसे करनी है, हेवनली हो गया पहले से बहुत ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा। पिछली बार भी सुबह दिखाया था ना, शाम को नहीं देखा था मैंने खुद भी, शाम को भी बड़ा ज़बरदस्त लग रहा है। साइडों में दौड़ेंगे इसके थोड़ी देर, दौड़ता हुआ तो नहीं दिखा सकता, लेकिन आज का गोल जो है ना वो एक पुराने वर्कआउट्स को ट्राई करने में से है। मतलब शुरुआत में जब मैंने वर्कआउट करना स्टार्ट किया था ना, तब ऐसे किया करता था मैं, क्या कौन सी जंप्स बोलते थे ना, जंप स्क्वाट्स नहीं है, आगे हैं फॉरवर्ड जंप्स कह लो या जंप्स ही कह लो, मतलब आगे आगे बस कूद के जाना है, तुम्हारे को समझाऊंगा मैं। वो कुछ डिस्टेंस के लिए करता था, फिर 20 दूसरे तरीके के स्क्वाट्स होते थे, और फिर लास्ट में उन्हीं को स्क्वाट से ख़त्म करता था। एकदम ख़तरनाक वर्कआउट होता था और लातों की तो बुरी हालत हो जाती थी उस टाइम। आज भी बड़े दिनों बाद कर रहा हूँ, पर उतनी बुरी हालत तो नहीं होगी क्योंकि पहले मैं काफ़ी हैवी हुआ करता था, अब लाइट हो गया हूँ वेट में, तो उम्मीद है कि बहुत बढ़िया होगा आज। वैसे भाई उस ट्रैक पर रनिंग करते हैं ना, वो वाला इससे हार्ड है, ये वाला तो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है, ऐसा लग रहा है गद्दे पर दौड़ रहा हूँ। मतलब गद्दा तो नहीं एग्जैक्टली, पर सही में काफ़ी डिफरेंस फील होगा तुम्हारे को। और वैसे भी ये तो गीला भी है तो और ज़्यादा मज़ा आ रहा है, मतलब हमें तो गर्मी रख के ना, यहाँ तो ठंडक हो रख के भी, एकदम धूप भी कोई इतनी पड़ नहीं रही है, तो सही है एकदम मौसम करने के लिए। 10 मिनट की रनिंग कर ली है, पर लग नहीं रहा है कि कुछ किया है क्योंकि शरीर को सही में भी कोई असर ही नहीं पड़ा है। अब पड़ेगा बहुत सही तरीके से, क्योंकि अब मैं सेटअप करने लगा हूँ अपना पुराने वर्कआउट वाला। यहाँ पर रख दी है टाइल, और ये रही एक बॉटल, वहाँ पर वो रही मेरी वाली बॉटल, और इस वाली को हम वहाँ पर लेकर जाएंगे एज अ मार्कर कि हमने वहाँ तक वो दूसरे वाले जंप स्क्वाट्स करने हैं। मतलब अलग है वो, थोड़ा आगे आगे कूद के जाना होता है, जैसे कंगारू कूद के जाता ना, वैसे वाला सिस्टम है। अभी तो मैं समझ आ जाएगा, दिखाता हूँ पूरा वर्कआउट क्या है। वो घेर लिया है, घेर लिया है, हाँ वो दौड़ा एक दूर से चौड़ा हो रहा है। ऐसे ऐसे करके 5 सेट तक करेंगे, वहाँ तक गया वापस आया, 20 वो जंप वाले किए अलग से, उसके बाद 10 स्क्वाट्स किए सिंपल, 20 भी कर सकता हूँ, ये बस बताने के लिए था कि कैसे करना है और क्या करना है। ओ यो, तेरे बाल तूने फिर कटवा दिए, अच्छे लग रहे थे बड़े बड़े, क्या दांत भी टूट गया है ना, नए दांत आ रहे हैं अभी। और बताओ खेलते हैं आजकल? अच्छा बाकी कहाँ है फिर, क्यों ये रोज नहीं आते क्या? कभी कभार आते। अच्छा ये वही वाली साइकिल है तेरी जो पहले यूज करता था? चलो खेल लो तुम, अब डिफरेंस फील हो रहा ना, अब और अच्छे से फील होगा, करो एक्सपीरियंस। ओके टफ है,
ऐसे कोई फिक्स प्लान लेके नहीं चला हूँ कि बहुत सारे सेट करने हैं, पांच ही करने हैं। ये तीसरा था, तीसरे में ज़्यादा किया है, लास्ट में 20 स्क्वाट्स कर दिए थे बजाय के 10 के। अब दो और करने हैं ऐसे ही, उसके बाद एक्सरसाइज चेंज, सिंगल पैर वाला भी थोड़ा सा करेंगे। ये देखो सही है कैमरा, इसकी इच्छा थी बड़ी कैमरा देखने की, मगर ले देख ले, याद ही होगा, अगर नहीं याद हो तो वैसे तो याद ही होगा, शक्ल बदली नहीं अभी। शीशो का काम करते हैं, वो खेलते हैं, क्या करते हैं आज? शीशो खेलते हैं यार। शीशो नहीं, वो मार की गाय खेलते हैं। आ जा, बोल कहां से है? बोल नहीं वेरी की बोल, क्या ली? आ जा, हां आते तो मैंने, हां अरे आ छूट गया, दे गद्दे जिसका तो जिसका भी और जिसके जोर से लपा रहा उसको ही जोर से मारी दे, वगैरह पांच सेट कंप्लीट। अब सिंगल पैर वाला करेंगे, काफ़ी दूर तक कर ले रहा हूँ बड़े बड़े ग्राउंड में, तो उम्मीद है कि इधर यहाँ से लेके वहाँ तक तो कर ही लूँगा, बाकी कुछ कह नहीं सकते, करके ही पता लगेगा। पहले नहीं हो रही थी, सेपरेटली जो कर लिया ना उसकी वजह से हो रहा है, थकान हुई है मतलब थोड़ी बहुत, सही चल रहा है मतलब हम सही ट्रैक पर सही चलते थे। नहीं पहले अभी आया हूँ, जाऊँगा ये शुक्र है कि सरफेस सॉफ्ट है इसलिए चोट नहीं लग रही है, नहीं तो ऊपड़ खापड़ तो बहुत ज़्यादा हार्ड होता तो पक्का एंकल मुड़ जाता, पर ठीक है ज़्यादा नहीं आया। कर लिया वर्कआउट, मूड ना होने के बाद भी अच्छे से हुआ है, बस थोड़ा सा रिस्क था इसलिए मैंने बहुत ज़्यादा पुश नहीं किया, क्योंकि थकते टाइम ना थोड़ा बहुत फॉर्म गलत हो जाता है,
और फिर ट्विस्ट हो जाता है अंकल, चोट लगती, बहुत दिन रुकना पड़ता, ऐसा काम नहीं करूँगा भाई मैं। थोड़ा थोड़ा भी खर्चे रहो ओवर द टाइम, मतलब जब बढ़ता रहता थोड़ा थोड़ा करके ऐड ऑन होने लग जाता आपकी बॉडी पे और फिर केपेबल हो जाती है। पता ही है तुम्हारे को क्या राज है। पर इतना ही था आज की शाम के लिए, उम्मीद करता हूँ पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो सब्सक्राइब वगैरह कर देना, शेयर कर देना और लाइक कर देना। मिलते हैं मुझे के साथ अगली वीडियो पर।